अस्सलाम वालेकुम जमात अहम। मज़मून है हमारे इस्लामियात और उनवान है सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 14 ता 18। उसका लफ्ज़ी और मुहावरा तर्जुमा आज हमने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइस कालत ताइफ़तुम मिन्हुम या अहले यस्रिब अलकुम अलकुम फ़र्जिऊ। और जब उनमें से एक जमात ये कहती थी कि ऐ अहले यस्रिब तुम वापस चले जाओ, लौट जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं। वयस्तादिनु फरीकुम मिन्हुम, उनमें से एक जमात ये इजाजत तलब करती थी, ये इजाजत मांगती थी ये नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यकूलूना, वो कहते थे, इन्ना बयूतना औरतन, के बेशक हमारे घर खुले पड़े हैं। इन्ना बेशक बयूतना, हमारे घर औरतन खुले पड़े हैं या गैर महफूज हैं। वो माँ, और नहीं है या वो बे औरतन गैर महफूज। इन युरीदूना, इन ये के युरीदूना, वो चाहते हैं, इल्ला सवाए फिरारन, भागना, के वो तो सिर्फ भागना चाहते हैं। मतलब दो खिलत, और अगर दाखिल हो जाए, आ जाए, अलैहिम, उन पर, मिन अक्तारिहा, उनके अतराफ से, सुमा, फिर सोयलू, उनको कहा जाए, अल्फितना, तो फितने के लिए, हाना जंगी के लिए, ला तौहा, तो वो फौरन करने लगेंगे, व मा तलबासु, और वो नहीं रुकेंगे बिहा इससे, इल्ला यसीरन, बहुत कम। और अगर अतराफ मदीना से फौजी उनके ऊपर आ जाए और उनसे हाना जंगी के लिए कहा जाए, तो वो उसे फौरन करेंगे और उससे कुछ भी देर के लिए रुकेंगे नहीं। वलकद, और है तहकीक, कानू है, अहदुल्लाह, अहद किया हुआ, अल्लाह, अल्लाह से, मिन कबलू, इससे पहले भी, हालांकि उन्होंने अल्लाह से इससे पहले भी अहद किया हुआ है, अल्लाह युवल्लूना, के वो ना फेरेंगे, अल अदबारा, पीठ, और उन्होंने अल्लाह से ये पहले भी अहद किया हुआ है कि वो पीठ नहीं फेरेंगे। वकाना अब्दुल्ला है, और है अल्लाह का अहद, मसूलन, पूछा जाना, और अल्लाह का अहद पूछा जाना है। कुल लन यनफाकुमुल फिरारु, कुल कह दीजिए, लन यनफा, ना फायदा देगी, हरगिज फायदा ना देगी, कुम तुम्हें, अल फिरारो, तुम्हारा भागना, हमसे कह दो कि तुम्हारा भागना तुम्हें ना फायदा देगा। इनफरा, तुम अगर तुम भागते हो, मिनल मौत, मौत से, अविल कत्ले, या मारने से, और उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ये भागना तुम्हें हरगिज फायदा नहीं देगा अगर तुम मरने से या मारने से भागते हो। वाइजा, और उस वक्त, ला तुमत्ता होना, ना तुम्हें फायदा होगा, इल्ला कलीलन, मगर बहुत थोड़ा, और उस वक्त तुम्हें बहुत ही कम फायदा होगा। कुल कह दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, मन कौन है, जल्ला जी, जो तुम्हें यासिमुकुम, बचा ले, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, इन अरादा बिकुम, अगर वो अरादा करे तुम्हारे साथ सुन बराई का, और अरादा बिकुम, या वो अरादा करे तुम्हारे साथ रहमतन, बलाई का, बलाया जिदूना, और ना तुम पाओगे, लहुम मिन दूनिल्लाह, उनमें से अल्लाह के सिवा, वलियन, कोई हमायती, और ना ही बला नसीरा, और ना ही कोई मददगार। और कह दीजिए, कौन है कि अगर अल्लाह तुमसे बुराई का या तुम्हारे साथ मेहरबानी का इरादा कर ले तो वो तुम्हें बचाए, और तुम उनमें से अल्लाह के सिवा किसी को भी अपना हमायती और अपना मददगार ना पा सकोगे। और अल्लाह ताला जानता है, अल-मुबीकीना, रुकावट डालने वालों को, मिनकुम, तुम में से, और अल्लाह ताला रुकावटें डालने वालों को तुम में से जानता है। बल-काइलीना, और वो माइल करते हैं, वो लोगों को कहते हैं, लिखवाने ही अपने भाइयों को, बल-काइलीना, और वो काइल करते हैं, राजी करते हैं, लिखवाने ही अपने भाइयों को, हलुम्मा अलैना, हलुम्मा, आओ अलैना, हमारी तरफ, के तुम हमारी तरफ आओ, वला यातूना, और वो नहीं आएंगे, अलबासा, लड़ाई में, इल्ला कलीलन, मगर बहुत थोड़ा, और वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे मगर बहुत कम। प्यारे बच्चों, आज हमने 18 आयत नंबर 18 तक का तर्जुमा किया है, बाकी का हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।